So very good evening, my dear friends. I am Dheeraj. I welcome you all in the session about my dear. That is what UPPSC जो lecturer and board superintendent की जो vacancies आई थी उनसे related जो questions हैं my dear, वो questions मैं आप सबके साथ लेकर आया हूँ. So right my dear, so we are going to discuss the questions one by one, right? So we have too many questions. हम लोग जितने हो सकेंगे उतने possible हैं, like 70-80 questions discuss करेंगे इस session में. And that will be what my dear, based on the mechanical engineering and based on what my dear, polytechnic lecturer post, right? From all over India. And my dear, but before going ahead, आगे बढ़ने से पहले, I want to tell you, आप सभी से एक request है that कि आप सभी के सभी क्या करेंगे my dear, आप सभी के सभी क्या करेंगे, आप सभी के सभी session को like करेंगे and share करेंगे, right? रजत जी, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो paper है, that is based on all over India, बहुत सारी institutions ने करवाया हुआ है paper, right? You don't worry about it, रजत सहगल, ठीक है? So here I go for next one my dear. So बच्चा पार्टी, that is mechanical junior engineer like coaching batch. अगर आप junior engineer की तैयारी बहुत seriously करना चाहते हैं तो I think ये batch आपके लिए है, right? जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, practice sets मिलते हैं, PDF notes मिलती हैं, classes मिलती हैं, doubt clearing support मिलता है, and the most important thing, what my dear, कि जो MRP पे है उसपे आपको भारी भरकम discount of what my dear flat 20% मिल जाएगा if you use my code, that is what Dheeraj D my dear, right? And अगर आप अपना 360 डिग्री एनालाइज परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ द testbook.com. जो टेस्ट सीरीज है testbook.com के उस पर जा सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे माय डियर क्या पूरे माय डियर कितने 400 से ज्यादा एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज एंड उसमें होंगे 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, राइट? ये आपको मिलेगा बेटा 499 में, राइट? लाइफ टाइम 3 ईयर वैलिडिटी होगी और माय डियर एक साल का मिलेगा 299 में, राइट? 1 अक्टूबर के बाद इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, इसका प्राइसेस हो जाएगा माय डियर 699 फॉर लाइफ टाइम एंड फॉर 1 ईयर इट शुड बी 399, राइट? सो बच्चा पार्टी, उससे होने से पहले आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं. अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो आई विल गिव अ सजेशन कि आप टेस्ट बुक की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे जो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, हर एक एग्जाम का है ऑलमोस्ट, उसको दीजिए, उसके बाद अपना एनालिसिस देखिए एंड उसके बाद आप टेस्ट बुक के पास के लिए, ओके बच्चा पार्टी? एंड अगर इस सेशन की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है माय डियर, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम है dheeraj_sir_testbook, जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है पूरे वाईटी सेशंस की, एक जी ड्राइव में प्रॉपर फॉर्मेट, उसमें हर एक जितने भी सेशंस हुए सबकी आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी. सेकंड थिंग, इसमें क्विजेस मिलेंगी. सेकंड थिंग, आप डाउट जो डिस्कशंस होते हैं, डाउट रिलेटेड जो भी डिस्कशंस है, उस जनरल डिस्कशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बड़ा फीचर है इसका कि आप अपनी क्वेरी डायरेक्टली मुझ तक पहुंचा सकते हैं. एंड माय डियर, डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्ड करता हूं हर एक क्वेरी को, क्वेरी कितनी भी हो, राइट? ये जरूर हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा मुझे लग जाए रिस्पॉन्ड करने, बट डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड. सो दिट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो माय डियर, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर की ओर. सो हियर वी गो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड, इसमें से कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड कौन सी नहीं है? सो कैजुअल, अब कैजुअल मेथड जो है, कैजुअल फोरकास्टिंग जो है, कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड किसमें आती है? तो माय डियर, मैं आपको बता दूं, ये आती है बेटा क्वांटिटेटिव में. किसमें आती है माय डियर? क्वांटिटेटिव मेथड, राइट? जो आप फोरकास्टिंग करते हैं उसमें एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है बेटा क्वांटिटेटिव, राइट? तो इस क्वांटिटेटिव में माय डियर, एक क्वालिटेटिव में आप डेल्फी टेक्निक देखते हैं, मार्केट रिसर्च देखते हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूं इसकी माय डियर, क्वांटिटेटिव या बोल दें आप ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव को याद रखिएगा, क्वालिटेटिव जो है इसको माय डियर सब्जेक्टिव भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव भी कहा जाता है, और क्वांटिटेटिव वाली को माय डियर क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव. क्वांटिटेटिव को ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है. तो इसमें माय डियर दो सीरीज होती है, एक होती है टाइम सीरीज और दूसरी होती है कैजुअल और इकोनोमेट्रिक्स. सो जो कैजुअल है माय डियर, उसमें आता है जो कैजुअल, इस वाली में मैं आपको बता रहा हूं, इस वाली में दो मिनट जस्ट गिव मी, इस वाली में दो आती है, एक होती है टाइम सीरीज, उसमें 3-4 आती है, और एक होती है बेटा कैजुअल, कैजुअल या इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं इसको माय डियर. क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक्स. जिसमें बच्चा पार्टी, एक आती है कौन सी, एक आएगी आपकी कोरिलेशन और दूसरी आएगी रिग्रेशन. इसमें आएगी कोरिलेशन और रिग्रेशन माय डियर. तो आपसे पूछा है कौन सी नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल, तो ये माय डियर तीनों की तीनों क्या है? कैजुअल है.
आपसे पूछा है कौन सी नहीं है, तो माय डियर ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विल नॉट बी अ कैजुअल मूव. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी हेलो गुरदत्त सिंह, बिल्कुल नहीं होगी प्राइवेट, डोंट वरी, नहीं होगी प्राइवेट गुरदत्त जी. ठीक है, बट लाइव आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैंने बोला था. ठीक है, ग्रुप पे आई होप समझ में आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूलिंग मेजर्स इज नॉट रिलेटेड टू ड्यू डेट और डिलीवरी टाइम. आपको बताना है शेड्यूलिंग टाइम से रिलेटेड कौन सा नहीं है, शेड्यूलिंग से रिलेटेड कोई नहीं है. तो देखो माय डियर, जब आप शेड्यूल बनाते हैं तो डेफिनेटली जॉब लेट नहीं होना चाहिए, लेटनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू शेड्यूलिंग. टार्डीनेस क्या होता है, टार्डीनेस माय डियर जो फ्लो टाइम होता है और आपका जो क्या होता है बेटा प्रोसेसिंग टाइम होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, दैट इज व्हाट टार्डीनेस. तो टार्डीनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू शेड्यूलिंग. नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स मतलब कौन कौन से जॉब जो है जिनमें टार्डीनेस आया, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग. क्या रिलेटेड नहीं है, फ्लो टाइम इज नॉट रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग माय डियर. सो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन. धनंजय पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, कौतुस जी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा, वन एंड ओनली, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ आपको, धीरज सर अंडरस्कोर टेस्ट बुक, देख पा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम. सो हियर आई गो फॉर नेक्स्ट. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो पीपीसी होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं आप, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा पार्टी, कैन यू टेल मी. हाँ जी बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट, सीक्वेंस बताना है. तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेशन इस पर्टिकुलर पीस में परफॉर्म होने हैं. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि इनको कब स्टार्ट करना है, व्हेन टू स्टार्ट, राइट, इसको कब स्टार्ट करना है, राइट. थर्ड थिंग, सेकंड थिंग होगी, थर्ड थिंग क्या होगी कि आपने जो प्लान करा है उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करोगे, राइट, दैट इज व्हाट थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग मतलब आपने जो प्लान किया और जो चीजें बाहर निकल कर, मतलब आपने प्लान किया कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट में ये चीज होनी चाहिए, अब क्या करोगे जब आप निकल रहा है, बन के निकल रहा है, तो डेफिनेटली आप देखोगे ना कि यार मैंने जो डायमेंशन डिसाइड करे थे उस डायमेंशन का ये है या नहीं, दैट इज व्हाट फॉलो अप. तो माय डियर पहले क्या हुआ, पहले आपने राउट रूट डिसाइड किया, उसके बाद शेड्यूल करा मतलब प्लानिंग करी, उसके बाद उस प्लानिंग को ग्राउंड पे उतारा, एंड देन यू हैव टेकन द फॉलो अप. सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन. चले आगे, चलो बच्चा, द रेनफोर्स स्टोर्स वेयर मटेरियल्स आर केप्ट फॉल्स अंडर. आप जैसे आप सपोज भी आप आने वाले समय में आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे बड़े बड़े, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका होगा सपोज टू बी आपने कोई गोडाउन लिया रेंट पे, क्योंकि आपका जो स्टॉक है उस स्टॉक को वहां रखना होगा, हमारा ही. तो वो पूछ रहा है कि जो रेंट आप पे करोगे, जो लैंडलॉर्ड होगा उस गोडाउन का, तो वो जो वो किसके अंडर आएगी, आपने किस लिए यूटिलाइज किया, आपने जो मटेरियल था, जो इन्वेंट्री थी, उसको होल्ड करने के लिए, रखने के लिए किया ना, दैट इज व्हाट यू आर होल्डिंग द इन्वेंट्री. सो माय डियर ये किस क्या हो जाएगी कॉस्ट, ये कॉस्ट हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट, राइट. अब सेटअप कॉस्ट क्या होती है, सेटअप कॉस्ट ये होती है जैसे कि आपको कोई एक्स वाई जेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो उससे पहले आपने कोई मशीन को सेटअप करवाया, पर्टिकुलर आप लेकर आए उसको सेटअप करवाया, तो वो जो कॉस्ट होती है दैट इज व्हाट सेटअप कॉस्ट. जब मैं बात करता हूँ शॉर्टेज कॉस्ट की, तो शॉर्टेज कॉस्ट का मतलब ऐसा है कि सपोज टू बी आप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड वो आपके पास नहीं है, कस्टमर आ गया, तो कस्टमर आ गया, कस्टमर वही प्रोडक्ट मांग रहा है और आपके पास जो नहीं है, तो डेफिनेटली क्या हुआ, दैट इज लॉस हुआ ना कुछ कॉस्ट, दैट इज व्हाट शॉर्टेज कॉस्ट. अब मैं बात करता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा है कि जैसे कि अब आपने देखा है फ्लिपकार्ट, अभी मिंत्रा, बिग बिलियन डे भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है अमेजन वगैरह में, तो आपने देखा है शिपिंग चार्ज देते हैं वो लोग, राइट. सो दैट इज व्हाट, आपने ऑर्डर प्लेस करा, तो उस ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके घर तक पहुंचाने के लिए 499 के ऊपर करोगे, वो मत बताना कि सर 499 के ऊपर करते हैं तो हमें फ्री में मिलता है, नहीं, 499 के अंदर समझ लो. तो जो आपने डिलीवरी चार्ज पे किया 40 रुपीज, दैट इज व्हाट माइडियर, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ ऑर्डर दैट प्लेस, तो वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसलिए ये क्या कहलाएगी, होल्डिंग कॉस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. चले आगे, ये भी इन अ फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्स्टेंट लीड टाइम इन्वेंट्री सिस्टम सेफ्टी स्टॉक इज डिपेंडेंट. सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक माइडियर जो अभी आपने शॉर्टेज कॉस्ट देखी ना, उससे बचने के लिए किया जाता है. मतलब हम मान के चलते हैं कि इतना सेफ्टी स्टॉक में रखेंगे, सेफ्टी स्टॉक इन द सेंस कि कैसा कि जो आपका चालू मार्केट है, फिर आपने बोला कितना सेफ्टी स्टॉक है, अगर खत्म हुआ तो इसको ला लेंगे, राइट, नहीं इमरजेंसी में वैसी चीज. तो देखो अब डिपेंड करेगा ना, तो माइडियर कि सेफ्टी स्टॉक किस पर डिपेंड करता है, तो सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसी है, राइट. सो इट विल बी डिमांड व्हाट माइडियर, डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, राइट, यस और नो बच्चा, यस और नो, यस और हाँ, प्रोक्योरमेंट भी बोल देंगे, वेरी गुड, प्रोक्योरमेंट भी कहा जाएगा उसको. सो माय डियर आई होप यू गॉट इट नाउ. चले आगे, हियर आई गो,
बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो। चलूं आगे, बोलो। ये भी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज व्हाट माय डियर। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई इनटू अल्फा। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पार्टिकल का, एम आर स्क्वायर, पार्टिकल बोला है मैंने, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर, डी डब्ल्यू बाई डी टी। बोलो होगा कि नहीं, बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो। सो डेफिनेटली टॉर्क एक्टिंग ऑन विल बी नॉट नन अदर देन आई इंटू अल्फा बेट। वेरी गुड। सर्विस लेवल पे नहीं करेगा, उसने मॉडल कौन सा बोला है, मॉडल तो देखो आप कम से कम। फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट लीड टाइम, दे हैव ऑलरेडी मेंशन फर्स्ट लाइन में, देखो क्या बोला है, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्स्टेंट लीड टाइम, लीड टाइम इज अ कॉन्स्टेंट एंड फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी। सो डेफिनेटली द डिमांड, क्योंकि देखो लीड टाइम क्या है, स्टॉक खत्म होने वाला रहेगा आप ऑर्डर कर दोगे, लेकिन ऑर्डर आने में एक दो दिन लगेंगे, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उस लीड टाइम में क्या डिमांड रहती है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या रखोगे, सेफ्टी स्टॉक रखोगे ना माय डियर, यस और नो। ये भी वर्चुअल वर्क रेफर्स टू, वर्चुअल वर्क क्या होता है, तो माय डियर वर्चुअल वर्क क्या होता है, वर्चुअल वर्क इज नथिंग बट व्हाट माय डियर, द वर्क व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द रियल प्रोसेस बिकॉज ऑफ अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण। कभी कभी ना इसका एक प्रिंसिपल पूछा जाता है, पूछा जाता है कि जो जो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल है वो क्या है, तो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, द बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, द वर्चुअल वर्क प्रोड्यूस बाय इट विल बी व्हाट माय डियर, सम जो रहेगा दैट इज जीरो। सो डेफिनेटली माय डियर क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन बाय रियल प्रोसेस होगा, एक्चुअल प्रोसेस। एंड इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि समेशन ऑफ वर्क डन विल बी जीरो माय डियर। वेरी गुड, चलो आगे। क्लियर आएगा, सौरभ कुमार पटेल मोस्ट वेलकम। मैं बता दूं वी हैव अ डेली सेशन एट 3 PM, ठीक है, हमारा डेली सेशन चलेगा 3 PM, BDL का भी लाने वाला हूं, डोंट वरी। ए बॉडी मूविंग फ्रॉम अ रेस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सेलरेशन विच हैविंग इक्वेशन दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 - t² / g, वेयर ए इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टी इज इन सेकंड, इट्स वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकंड। सो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी और जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा 6 सेकंड में वो कितना होगा ये बताओ। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट माय डियर, दैट इज वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, राइट। सो डीवी क्या लिखोगे आप, डीवी बाय डीटी आप एक्सेलरेशन लिखते हो, तो अगर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, कैन आई राइट डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए इंटू डीटी, यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट। वेरी गुड माय डियर, हाँ या ना, यस और नो। सो माय डियर देखो ध्यान से, यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा वी माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 6, तो 0 से 6 एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 - t² / g इनटू डीटी, करेक्ट, यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट। सो माय डियर देखो ध्यान से, ये तो वी एज इट इज आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माय डियर, 4t - t³/3 - t³/3, राइट, और यहां पे लिमिट क्या लगेगा, 0 से 6, इज इट करेक्ट ना, राइट। तो बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, देखो आप, तो माय डियर वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, देखो ये हो जाएगा 24 - 6³, 6³ विल बी व्हाट बेटा, 6 × 36, हाँ जी बोलो भाई, 216 / 3 × g, मतलब 3 × 10 दैट इज व्हाट 30, माय डियर ये आंसर आ जाएगा, एंड दिस वेलोसिटी इज नन अदर देन व्हाट बेटा, 16.8 meter per second, राइट राइट। अब देखो 16.8 एक ही जगह दिख रहा है, तो अगर टाइम कैलकुलेट करना हो तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो 16.8 मीटर पर सेकंड आ गया है, एक ही ऑप्शन में वेलोसिटी उतनी दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, बोलो भैया, यस और नो, यस और नो माइंड, दिख रही है। अब देखो ध्यान से, हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल, सो राइट, टाइम तो है हमारे पास, डीएस बोला गया था, राइट। सो डीएस विल बी व्हाट माय डियर, एक्सेलरेशन वी इनटू डीटी, कहां से कहां तक, 0 से 6, यस और नो बच्चा, बिल्कुल यही होगा, तो माय डियर देखो ध्यान से, वी इनटू डीटी होगा, करेक्ट। सो माय डियर अब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी इज व्हाट माय डियर, वेलोसिटी ये आई है आपकी, वेलोसिटी क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट। सो माय डियर यहां पे हम डीएस इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज व्हाट, s2 - s1, राइट, यस और नो, बोलो भैया, यस और नो माय डियर, तो देखो ध्यान से, अब 40 अपॉन क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 6, 40 - t³/3g,
यही आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज वॉट डी टी। तो माई डियर यहां से निकल जाएगा, फिर से निकालना पड़ेगा। तो आपका यहाँ से एस टू माइनस एस वन करोगे तो एस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी नन अदर देन 61.2 आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, नियरेस्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। संदीप कुमार जी डेफिनेटली देखते हैं माई डियर, डेफिनेटली आपका कंसर्न मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट होगा तो बोल देना अभी, है डाउट होगा तो चुपचाप मत बैठना बेटा, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़े। सर 24 कहां से आया, 24 कहां से ला लिए, 24 कहां लाए? अरे ये देखो भैया, अरे यार जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में क्या है, जीरो है, लोअर लिमिट में, हाइयर लिमिट में सिक्स है। तो पहले तो हम लिखेंगे, पहले हम वी की वैल्यू लिखेंगे जिसमें हम सिक्स पुट करेंगे। ठीक है, ये वी क्या होगा, ये हो जाएगा वी सिक्स माइनस वी वी जीरो। वी सिक्स मतलब पहले टी की वैल्यू हम सिक्स रखेंगे, फिर यहां पे भी सिक्स रखेंगे, तो ये आएगा, फिर बाद में जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। ये तो इंटीग्रेशन का रूल है ना। कौन था, यस विपिन जी, विपिन जी क्लियर है विपिन? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एंड एल्युमिनियम आर। सो माय डियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो माय डियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चा पार्टी, क्या आप बता सकते हो कि जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो कितना होता है स्टील का? देखो ध्यान से, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से मार्क करके रख लेना। ये होता है 200 गीगा पास्कल। वही जब मैं बात करता हूँ एल्युमिनियम की, तो माय डियर ये कितना होता है, 80 गीगा पास्कल। कितना बेटा, 80 गीगा पास्कल। जब मैं बात करता हूँ अल्फा स्टील की, दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सो दैट विल बी नन अदर देन व्हाट माय डियर, क्या वैल्यू है, कोई इसी को याद है? अरे बोलो भैया, याद हो तो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री सेंटीग्रेड में इतना। और वही मैं बात करता हूँ एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का कितना है बेटा, एल्युमिनियम का 23 है। ऑप्शन कौन सा लगा देंगे? तो बाइडिया, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, पहले स्टील का बताना है। तो स्टील का आइडिया 12 × 10, यही वाला ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद है 23, बिल्कुल सही है, 200 गीगा पास्कल, 80 गीगा पास्कल, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया, 4 कैसे हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना इसको। ठीक है, चलो मैं, इफ अ बॉडी इज स्ट्रेस विद इन अ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में इसको स्ट्रेस किया गया, द लैटरल स्ट्रेन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द लीनियर स्ट्रेन, दिस कांस्टेंट माय डियर। तो माय डियर कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो आपने ई लैटरल, मतलब लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं म्यू। म्यू का मतलब क्या बेटा, पी फॉर पॉइजनस, जहर। क्या है बेटा, जहर, पी। अच्छा मैं बोलूं म्यू की वैल्यू जीरो किसके लिए होती है, तो आप क्या आंसर दोगे? कॉर्क, याद रखिएगा म्यू की जो वैल्यू होती है, कभी कभी पूछता है, म्यू की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच होती है। 0 होती है कॉर्क के लिए बेटा, और 0.5 होती है किसके लिए, जिसका आप सोच भी नहीं सकते, रबर। किसके लिए बेटा, रबर। जैसे कि अभी आपने एल्युमिनियम देखा था, तो एल्युमिनियम के लिए वैल्यू क्या होगी माई डियर, एल्युमिनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है म्यू की, दैट इज नन अदर देन 0.31। वहीं अगर कास्ट आयरन की बात करता हूं तो म्यू की वैल्यू होती है बेटा 0.21 से लेके 0.26 के बीच। अगर स्टील की बात करेंगे तो कितनी होगी बेटा, अगर स्टील की बात कर लेंगे, चलो यहाँ पे आया तो बात ही कर ले, माय डियर स्टील के लिए वैल्यू होगी इसकी 0.27 to 0.3 के बीच। ठीक है ना, आई होप यू गॉट इट। अब कोई बोलेगा कि सर स्टेनलेस स्टील के बारे में, तो ऑलमोस्ट सेम होती है, स्टेनलेस स्टील के लिए मान लो 0.3 to 0.31 के बीच, बस यही वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो ये नंबर आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आया हुआ है ऑलरेडी, और ये मान के चलिए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा, ईएस लेवल का क्वेश्चन होगा, एई का, जेई का, सब क्वेश्चन मिस करके आपको देगा। ठीक है, एक तरफा पेपर नहीं जाएगा किसी भी साइड लेवल, ना ही एकदम हार्ड होगा, ना ही आसान होगा, ना ही कठिन होगा, पूरा क्वेश्चन मिक्स होगा। इफ 1 लीटर ऑफ फ्लूइड हैज मास ऑफ 7.5 kg, देन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी।
क्या बोल रहा है कि एक लीटर फ्लूड है उसका अगर मास 7.5 किलो है तो बताओ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। माइडियर कैसे बताएंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसकी। हाँ जी बच्चा पार्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, राइट। सो 1 लीटर कहने का मतलब 1 लीटर है, राइट, तो वॉल्यूम क्या होगा माइडियर, 1 लीटर मतलब 10^-3 मीटर क्यूब, यही हुआ। अरे बोलो भैया हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। माइडियर रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इसका दिया है 7.5, ये दिया है हमें 10^-3, तो मेरी रो क्या हो गई, रो हो गई 7.5 × 10^3। अब माय डियर अब इसमें से क्या करेंगे, हम वाटर की को हटा देंगे। सो माय डियर मैं क्या करूंगा, मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है ना इसकी, सो क्या करूंगा बेटा, ये सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा 7.5। इसको डिवाइड कर दूंगा रो ऑफ वाटर से, मतलब 1000 से। मेरी बात को समझिए क्या, दैट इज व्हाट 7.5। किसी कोई डाउट है, पॉलिटेक्निक की क्लास डेली होगी उत्कर्ष तिवारी, उत्कर्ष बिल्कुल डेली होगी तिवारी जी, हियर वी गो, डेली 3 PM पे, स्टे ट्यून विथ मी एट 3 PM। एंड माय डियर फर्दर क्वेरीज के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन पिंग मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप धीरज_टेस्ट। चलो, ए प्लेट 0.02 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स प्लेट, एक फिक्स प्लेट है उससे 0.02 mm पे दूर लगाई गई एक दूसरी प्लेट, ठीक है, 20 cm/s रिक्वायर्ड शियर स्ट्रेस। माय डियर वेलोसिटी दी है 20 cm/s एंड उसका शियर स्ट्रेस कितना है 4 N/m². टू मेंटेन दिस स्पीड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अवेलेबल इनसाइड दिस प्लेट इज, माय डियर तो विस्कोसिटी कितनी होगी ये बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा लॉ टाउ इज इक्वल टू क्या बेटा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट अगर बोलना भूल गए तो सिलेक्शन भूल जाना, क्योंकि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये देखो माय डियर, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई, ये तो पढ़ रखा है आपने, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई। सो माय डियर टाउ वी हैव ऑलरेडी गिवन, दैट इज व्हाट 4, राइट। म्यू वी हैव टू फाइंड आउट, वेलोसिटी माय डियर कितनी, बोले भैया अरे कितनी है भैया, ये दी है ना 20 cm मतलब 0.2 मीटर में करेंगे, 10^-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिस्टेंस कितना है बेटा 0.02 mm। तो माय डियर इसको मैं कर दूंगा 0.02 × 10^-3, मेरा बेटा यहां से म्यू निकल आएगा एंड मेरा म्यू जब आएगा तो दैट इज व्हाट 4 × 10^-4 क्या बेटा न्यूटन, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट देखो, ये देखो कई बार ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन गलत ऑप्शन को मत चुनना, ठीक है ना, वेरी गुड डियर। चलो आगे, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन, वेरी गुड शिवानी, मोस्ट वेलकम डियर, क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ, ठीक। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पाइप्स थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, जिसके बीच से पानी बह रहा है, ठीक है। An inverted manometer, two manometric fluids with specific gravity 13.6 and 0.8 are available. Which manometric fluid is to be used now? So, आपको बताना है कि कौन सा manometric fluid use होना चाहिए। तो देखो पहली एक चीज यहाँ पे clue दिया हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, यहाँ उन्होंने बोला है inverted manometer। तो inverted manometer हम दो केस में use करते हैं, पहला कब, जब piping क्या होती है बेटा, जो pipe क्या होते हैं underground, ठीक है, राइट। दूसरा, दो कंडीशन होती है कि जब पाइप अंडरग्राउंड हो तो इन्वर्टेड यूज करेंगे। एंड माय डियर जब इन्वर्टेड आप यूज कर रहे होंगे तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, दैट विल बी व्हाट माय डियर, लेसर देन 1, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, मतलब मर्करी है, और दूसरा 0.8 वाला है, तो डेफिनेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी लेसर देन फ्रॉम 1। सो यहां पे कौन सा यूज कर लेंगे बेटा, फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाट बेटा, 0.8 विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट, वेरी गुड। चलो हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन, ए कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉन थ्रू अ फ्लूइड सो दैट इट हैज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एवरी पॉइंट इज नोन एज, माय डियर मतलब क्या बोल रहा है वो, कि एक कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ करिए आपने, ठीक है ना। सो माय डियर उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है एट एवरी पॉइंट इज नोन एज, उस लाइन को क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन ही है ना, जहां से कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यस और नो बेटा, बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो ऑल ऑफ यू,
हाँ देख रहे हैं किसी। हाँ वेरी गुड आ गया आंसर। स्ट्रीमलाइन वेरी गुड शिवानी, 10 वेरी गुड सरवना, मोस्ट वेलकम सौरभ कुमार पटेल। नंबर टू कैसे होगा सौरभ, चेकआउट सौरभ, वेरी गुड। नंबर फोर इज राइट, श्रेयांश सिंह, नंबर फोर इज राइट बेटा, ये रहा है। देखो ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैविंग अ वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन। सो राइटर क्या बोल रहा है कि इसमें से जितने डिवाइस दिए हुए हैं इसमें से कितने का वर्किंग प्रिंसिपल बर्नौली पे बेस है। तो देखो अगर वेंचुरी का है, बिल्कुल है, पिटोट ट्यूब का है, ऑरिफिस मीटर का है, तो सभी का है। किसका है? सभी का है, सभी का। यस और नो, सभी का है कि नहीं है, बोलो बोलो है कि नहीं। अरे सबका है, वेरी गुड। डायरेक्शन एट वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, वेरी गुड शिवानी। नंबर फोर इज राइट इन दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे सभी के आंसर यह रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट फंक्शन नहीं है। आंख बंद करके, आंख बंद करके ऑप्शन लगाते हैं बच्चे जब तैयारी वाले रहते हैं, हीट लगा देते हैं बच्चे। विच इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, तो हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें बोला गया था वर्क एंड हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, राइट ना, हीट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, ये बताया गया है आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ब्रिंग मेल्टिंग द वॉल्यूम ऑफ प्योर सब्सटेंस अदर देन वॉटर, मतलब वॉटर को छोड़कर अगर आप किसी लिक्विड को मेल्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वाटर रहता तो पहले डिक्रीज करता बाद में इंक्रीज करता, राइट। तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन अगर वाटर बोलता तो पहले क्या होता बेटा, डिक्रीज होता, बाद में उसके बाद क्या होता, इंक्रीज होता। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना। यज्ञदत्त मोस्ट वेलकम डियर, हियर वी गो। अब देखो द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है माय डियर। P1 V1 log of what बेटा, V2 by V1 is going to be the correct option, ठीक है, it is in case of turbine। अगर वही कंप्रेसर के केस में बोलता, ठीक है, अगर कंप्रेसर के केस में बोलता तो वर्क इनपुट होगा, वर्क इनपुट मतलब निगेटिविटी, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, अगर मैं बता रहा हूँ एक न्यूमेरिकल में क्या था, एक बच्चे ने मेरे को फोन करके पूछा था कि सर यहाँ पे तो ऐसा है P1 V1 log of ये V2 by V1, ठीक है। तो डेफिनेटली अब क्या है कि जो V2 होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस इन केस ऑफ कंप्रेसर, निगेटिव आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया था, अगर आप कंप्रेसर के चक्कर में लिख रहे हैं तो माय डियर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 log of V1 by V2। देखो मैंने रेसिप्रोकल को चेंज किया तो निगेटिव साइन यहां से आएगी, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये करेक्ट हो जाएगा। सो ये केस भी लगता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये P1 V1 की जगह आप P2 V2 भी दे सकते हैं, MRT1 भी रख सकते हैं, और माय डियर इस V2 by V1 की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या P1 by P2 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सो माय डियर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बात ठीक है, मैंने आपको कई तरीके बता दीजिए। अजय मौर्य गलत चले गए चौथे नंबर पे, कहां चले गए आप अजय, अजय जी गलत चले गए, चौथा नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो माय डियर ध्यान रखिएगा, P1 V1 की जगह MRT1 पे रख सकते हैं, ठीक है, MRT2 भी रख सकते हैं, जो रखना है इट डिपेंड्स आइडियल गैस इक्वेशन जो बोलता है, जो आप रखना चाहें, जो आपको फाइंड आउट करना चाहें उसी की सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं। फॉर विंटर एयर कंडीशनिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड नॉट बी मोर दैन, अगर विंटर है तो शुड नॉट बी मोर दैन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैन यू टेल मी, हाँ जी बच्चा पार्टी, अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर पता होगा तो कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं आएगा क्वेश्चन। यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट एवरीबॉडी, कम ऑन, क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर। हाँ जी वेरी गुड डियर, वेरी गुड। एक बात याद रखिए, विंटर में मैं आपको बताता हूं सीधा फंडा है, विंटर में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, करेक्ट। तो हमारा जो एसी होता है वो क्या करता है, इसको बढ़ाता है, अभी तो आप कंफर्ट भी करेंगे, इसलिए आप क्या करते हैं बॉडी लोशन वगैरह यूज करते हैं विंटर, करते हैं कि नहीं करते बेटा, करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा, तो मेरे को बताओ ये किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और अगर एयर की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई विंटर में तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, एयर कंडीशन और ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, आपका अनकंफर्ट हो जाएगा। सो माय डियर विंटर में याद रखिएगा, इट शुड बी नॉट मोर देन दैट, नॉट, ध्यान रखो अच्छे से लिखते हैं, विंटर के लिए नॉट मोर देन दैट, मोर देन 40%,
ठीक है। अब वही मैं जब बात करूं समर की, तो समर में क्या होता है, ज्यादा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, जो फाई होता है वो हाई होता है। इसको एसी क्या करता है बेटा, कम करता है और आपके कंफर्ट में लाता है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर 60% से ज्यादा होगी ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी समर में, तो ये मान के चलो आपका एसी भी आपको चिपचिपाहट जैसा महसूस करा देगा, श्योर है, क्योंकि वो भी डिवाइस है, एक मशीनरी है, उसकी भी लिमिटेशन है। सो माय डियर याद रखिएगा यहां पे नॉट व्हाट माय डियर, नॉट बी लेस देन, नॉट बी लेस देन, यहां पे 60% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस देन, ये ध्यान रखिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड विपिन, क्लियर है। इफ अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर में VCRS सिस्टम में जब जो स्टेज होता है किसका स्टेज, रेफ्रिजरेंट का, जब वो कंप्रेसर में जाता है तो कैसे रहता है बेटा, आपको अगर याद ना आ रहा हो धुआं धुआं सा, तो मैं आपको याद दिला देता हूं धुआं धुआं सा, ये देखो इसमें क्लियर दिख जाएगा, धुआं धुआं सा नहीं दिखेगा, देखना TS डायग्राम थी है? याद आ रहा है धुआं धुआं सा, देखो बेटा ऐसे था कुछ, याद आ रहा है, 1 2 3 4 बोलो बच्चा पार्टी, अरे सॉरी, देखो ये आपका कंप्रेसर था, 1 से 2 कंप्रेसर है, 2 से 3 कंडेंसर है, 3 से 4 क्या है बेटा थ्रॉटलिंग है, 4 से 1 क्या है इवापोरेटर है, पता है। अब माय डियर 1 पे क्या है, ये देखो सैचुरेटेड क्या है, वेपर लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये SLL है और माय डियर ये SVL है, राइट। तो क्या स्टेट होगी, क्या होगी बेटा, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, और व्हाट, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 3 लगा दिया, बताओ सरवना ने, सरवना हाउ इट कुड बी 3 माय डियर, हियर आई गो। मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पोर्शन ऑफ टू लाइंस एनग्रेव ऑन अ पॉलिश सरफेस ऑफ अ बार ऑफ, माय डियर मीटर बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन पहली बार देख रहा हो गया, मीटर, कैन यू टेल मी, हाँ जी बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, पढ़ा होगा तो आ जाएगा, बोलो भाई। माय डियर याद रखिएगा कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पोर्शन ऑफ टू लाइंस एनग्रेव ऑन अ पॉलिश, व्हाट माय डियर, 90% प्लैटिनम एंड 10% इरिडियम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये याद रखना है माय डियर, ये याद रखना है, ठीक है ना, आई होप यू गॉट इट डियर। चलूं आगे, यस और नो प्लीज लेट मी नो एंड बी फास्ट बच्चा पार्ट। अगर यार्ड का पूछता तो माय डियर, बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो, यस और नो माय डियर, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट, वेरी गुड, नंबर 1 इज राइट। चलो आगे, द टाइप ऑफ एनर्जी यूज इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वायर कटिंग इज, माय डियर जो टाइप ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है किसमें, इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वायर कटिंग, कौन सी एनर्जी होती है, हाँ जी माय डियर प्लीज बी फास्ट, कौन सी एनर्जी है बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट माय डियर, कम ऑन। अरे भैया थर्मल यूज होती है, थर्मल याद आ रहा है, थर्मल, थर्मल कोई आंसर नहीं कर, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अरे भैया थर्मल, थर्मल, थर्मल माय डियर, ईडीएम, अरे यार ईडीएम का मैकेनिज्म क्या था, ईडीएम का मैकेनिज्म मैंने बताया था फ्यूजन एंड वेपराइजेशन था ना, तो फ्यूजन एंड वेपराइजेशन किसके कारण होगा, अरे भैया थर्मल एनर्जी के कारण, थ्री कैसे होगा, थ्री कैसे होगा यार, क्या बोल रहे हो, समबडी सेड की यार्ड का बता दो, राइट। तो यार्ड में याद रखिएगा इट इज मेड अप ऑफ 1 इंच स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ब्रॉन्ज बार, ठीक है, ठीक है ना, द मटेरियल स्टैंडर्ड फॉर यार्ड, राइट। तो भाई उसमें होता है 82% कॉपर, याद रखिएगा यार्ड वाले के लिए 82% कॉपर, टीन होगा, टीन कितना परसेंट होगा बेटा, 13, ठीक है ना, 13% टीन होगा एंड 5% ZN होगा, ZN जिंक, ठीक है, यार्ड के लिए। अरे सोर्स इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, स्पार्क क्या प्रोड्यूस करेगा, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर,
दिस इज फॉर व्हाट माय डियर यार्ड आई होप यू गॉट इट नाउ सही है वेरी गुड सोर्स इलेक्ट्रिक स्पार्क बट स्पार्क के कारण थर्मल एनर्जी पिक्चर में आएगी The size by which it is referred to as matter of convenience. The size by which it is referred to as a matter of convenience. कौन सी size होती है? Actual, basic, true, nominal. हाँ, बोलो भैया. That is nominal and true. Don't get confused about basic and nominal. इसमें confused बिल्कुल नहीं होंगे आप. ठीक है? बच्चा पार्टी बोलो. So my dear, जिसपे आप refer करते हैं, that is what nominal size. मैटर ऑफ कन्वीनियंस के हम जो बताते हैं दैट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर नॉमिनल नॉमिनल वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग पांडे जी चले आगे हियर आई गो देखो ध्यान से चार पार्ट्स हैं विद द फॉलोइंग डायमेंशंस आर टू बी असेंबल इनको असेंबल करना है ठीक है व्हाट शुड बी द टॉलरेंसेस ऑन द असेंबल्ड लेंथ तो माय डियर जो टॉलरेंसेस बन के आएंगे वो आपको बताने हैं ठीक है अब ध्यान से देखो पहले तो बेसिक साइज पता करना पड़ेगा इसका असेंबली का बेसिक साइज तो असेंबली का बेसिक साइज क्या करना पड़ेगा बेटा इनको ऐड कर दो तो पहले आप ऐड करो पहले आप क्या ऐड करोगे बेटा बेसिक साइज क्या हो जाएगा बेसिक साइज के लिए माय डियर 25.32 प्लस 18.91 तो माय डियर एक तो बात होगी बेसिक साइज 152.65 होगा क्योंकि ऑप्शन में भी देख सकते हो तो इन सबको ऐड कर दो 25.32 प्लस 18.91 प्लस 62.17 एंड 46.25 आपका जो आंसर आएगा दैट इज 152.65 ठीक है अब टॉलरेंसेस डिसाइड करने पड़ेंगे अपर एंड लोअर राइट सो माय डियर देखो 0.02 ठीक है प्लस 0.03 0.05 हो गया 0.05 प्लस 0.05 ये हो गया 0.1 राइट 0.1 और माय डियर प्लस मतलब 0.14 आ गया Is it yes or no? ऊपर क्या आएगा बेटा प्लस 0.1.14 अब 0.14 तो आ गया ठीक है अब 0.14 देखो किसमें तो ये तो ऑप्शन नहीं है ये भी ना है अब थ्री में भी है अब फोर्थ नहीं फोर्थ में भी नहीं है इसमें है तो यही हो जाएगा आंसर अरे होगी भी नहीं होगा भैया थ्री हो जाएगा फोर्थ कैसे होगा यार गुप्ता जी अनमोल अनमोल आंसर क्या किया तुमने चार कैसे हो जाएगा यार चार कैसे हो जाएगा अरे यार प्लस 0.02 प्लस 0.03 0.05 हुआ 0.05 प्लस 0.05 क्या हुआ 0.1 0.1 प्लस 0.04 0.14 हुआ प्लस में कहां है बताओ ऊपर में कहां है यही बस है और कहीं है ही नहीं लोअर वाला करना है लोअर वाला कर लो 0.01 प्लस 0.03 0.04 0.05 0.05 प्लस 0.04 0.09 तो देखो 0.09 है ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट ठीक है करना कैसे है अरे यार अब देखो असेंबली बना रहे हो दो मिनट रुक जाना जस्ट गिव मी फाइव मिनट्स बच्चे पार्टी वेट असेंबली बना रहे हो आप है ना तो जब असेंबली बनाओगे तो भाई साहब पूरे पार्ट्स ऐड होंगे ना उसमें तो पूरे पार्ट्स ऐड होंगे तो मेरे को अगर उसका बताना है असेंबली का तो मैंने क्या करा सबका बेसिक साइज ऐड कर दिया ये बेसिक साइज सबका था 25.32 प्लस 18.91 प्लस 62.17 सबका ऐड कर दिया ऐड करोगे ये चारों को तो क्या आएगा 152.65 आएगा सब में कॉमन है देख अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड करना है तो डेफिनेटली इसके टॉलरेंसेस बताने पड़ेंगे तो माय डियर ये अपर टॉलरेंसेस ऐड कर दो प्लस 0.02 प्लस 0.03 लाइक दिस समझ गए ये बता तो दिया शिव हरे जी आ गया ना चलो ठीक है पहले का इन फोर बार मैकेनिज्म इफ द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हुई द मैकेनिज्म इज ऑब्टेन इज नोन एज तो फिर क्या आपको पता है shortest plus longest less than or equal to other two that is what p plus q अगर ये verified हो गया तो सबसे best position होती है fixed position और सबसे worst position होती है कौन सी बेटा coupler position right yes or no तो अगर आपका shortest link fix हो जाता है मेरी अगर ये equation satisfy पहले तो ये equation satisfy हो अगर ये equation satisfy होगा तो याद रखो अगर shortest link fix हुआ तो वो होता है double crank mechanism और अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो फिक्स लिंक है उसके एडजस्टमेंट में है मतलब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में है तो माय डियर मान लो वो हो जाएगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स वाली लिंक के जस्ट सामने है तो बेटा वो कहला देगा क्या वो हो जाएगा डबल रॉकर ठीक है तो यहां पे आंसर क्या लिखाएंगे डबल क्रैंक
अरे यादव जी, अब मैं आपको क्या, विपिन यादव जी देखो, अब तुम बोले ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, हम डायमेंशन क्या लिखे हैं यहाँ, माइनस पे लिखे हैं, ठीक है, अब ऐड नहीं करना है, माइनस करो, माइनस 0.01, माइनस 0.03, माइनस 0.01, राइट, माइनस 0.04, ऐड कर दो कितना आ रहा है बताओ, माइनस 0.09 आएगा, देख लेना। छोटी छोटी बातें समझो यार, मतलब इतना ज्यादा अगर दिक्कत होगा बहुत दिक्कत होगी। डबल क्रैंक विल बी द राइट ऑप्शन, डबल क्रैंक हो जाएगा आंसर, ठीक है, असेंबली वाला था, आपको प्रॉब्लम बड़ा दिक्कत देगा हमें लगा, ठीक है, आगे बढ़े, बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो, शैल आई गो अहेड, बोलो भैया। किसने दिया आंसर, वेरी गुड, दैट इज हियर आई गो फॉर नेक्स्ट। एक काम हो जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम की टेंशन ना लो, रोटेटिंग शार्ट टेंड टू वाइब्रेट वायलेंटली एट क्रिटिकल स्पीड। कौन सी डायरेक्शन में होगा, जब क्रिटिकल स्पीड आप अचीव कर लोगे, किसकी, कौन सी क्रिटिकल स्पीड, शाफ्ट की, तो माय डियर शाफ्ट कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा, लॉन्जिट्यूडनल में, ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्सली में, या नन ऑफ द अबव, बताओ बच्चा जल्दी। तो कैसा वाइब्रेट होगा भैया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, कैसे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो यू कैन से ट्रांसवर्स, वेरी गुड, ट्रांसवर्स दिया आंसर सभी लोगों ने, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जितेंद्र, शिवानी, सौरभ, श्रेया, जितेंद्र, वेरी गुड, हियर आई गो, डैम्पिंग इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन, अब डैम्पिंग बेनिफिशियल कब होगी ये बताओ, अब डैम्पिंग जिसने समझी होगी वही बता पाए, मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, है ना, माय डियर ये क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से, वेदर इट शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन, कैन यू टेल मी, सो माय डियर ये होनी चाहिए लेस देन रूट टू से, क्योंकि रूट टू पे वन होती है, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, रेजोनेंस वाली कंडीशन याद आ जाए, धुआं धुआं सा, कंसिडरिंग द सेफ डिजाइन फ्रिक्शन क्लच शुड बी डिजाइन, कंसिडरिंग द सेफ डिजाइन, तो फ्रिक्शन क्लच को हम शुड बी डिजाइन एज्यूमिंग व्हाट माय डियर, कौन सी थ्योरी एज्यूम करेंगे, कैन यू टेल मी, हाँ जी बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, हाँ जी माइड, तो हम कौन सी ज़ूम करेंगे बेटा, अब यहाँ पे लोग गड़बड़ाएंगे, हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, कौन सा थेरी लोगे, बता नहीं रहे, हाँ आइदर यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वियर, कौन सा, या नहीं, हाँ शिवानी, जितेन, जितेन इसका ऑप्शन क्या होगा, नंबर चार बता रहे, बोलो भैया, कोई नहीं बता रहा, अब मेरी सुन लो, नंबर टू, वेरी गुड, वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे भैया यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लोगे, यूपीटी नहीं लोगे, UWT लोगे, ठीक है, सेफ डिजाइन के लिए, आई होप, वेरी गुड, नंबर टू इज राइट, चलो आगे, विच इज नॉट टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग, इसमें से रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग कौन सा नहीं है बेटा, Which one is not a rolling contact type bearing? So can you tell me, Hati Bacha Party? Please be fast. हाँ, journal bearing कौन सा bearing है? बोलो। तो बेटा ये journal bearing जो है ये कौन सा है my dear? ये सब जानते हैं आप। Sliding contact bearing है ये। Option क्या निकलेगा? यही तो निकलेगा। Number three, sliding contact bearing length. रियल लाइफ सिचुएशंस के ज्यादा करीब होता है UWT, शिवदत्त, शिव हरे, हरे साहब, शिव हरे साहब, बता दिया आपको, जर्नल बियरिंग, वेरी गुड, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, रेट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इज नोन एज माइंड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रफे वम वजब से याद रखना, रफे वम वजब से, ठीक है, मैं बताता हूं इसका, ये R4 रेनॉल्ड्स नंबर है, इनर्शिया फोर्स कॉमन रहेगा, ठीक है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ये हो गया F, F मतलब फ्राउडे नंबर, फ्राउडे नंबर इज नथिंग बट इनर्शिया फोर्स टू G4 ग्रेविटेशनल फोर्स, E4 यूलर नंबर, इट इज नथिंग बट इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, W4 वेबर नंबर, वेबर नंबर मतलब इनर्शिया टू सरफेस टेंशन, S4 सरफेस टेंशन, M4 मैक नंबर, मैक नंबर क्या होगा बेटा, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, तो यहां पूछा है इनर्शिया टू इलास्टिक, कौन है बेटा इसमें से, मैं, समझ गए, वेरी गुड, ये भी गुड, समझे, चलो भाई, बाउंड्री इज नोन एज हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ इफ, अच्छा ये हम कंडीशन कई बार बताए हैं, बाउंड्री स्मूथ कब होंगी और रफ कब होंगी ये बताना है,
स्वाइडर कैन यू टेल मी प्लीज बी फास्ट कि इसके लिए क्या कंडीशन है। हाँ जी बच्चा पार्टी, सो स्मूथ के लिए हम बोलते हैं बेटा कि जो के बाय डेल्टा है ये लेस देन होना चाहिए 0.25 से, हाँ या ना, यस और नो राइट। अब अगर के बाय डेल्टा, याद रखिएगा के बाय डेल्टा अगर ग्रेटर हो जाए किससे, 0.6 से या 6 से, तो हम बोलते हैं ये रफ है और ये ऊपर वाला बेटा स्मूथ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर इन दोनों के बीच में रहा तो, अगर इन दोनों के बीच में रहा तो याद रखना वो कंडीशन कहलाती है बाउंड्री ट्रांजिशन कंडीशन, बाउंड्री ट्रांजिशन कंडीशन। कौन सा, जब k बाय डेल्टा 0.25 से क्या रहे बेटा, बड़ा रहे और 6 से छोटा रहे, ठीक है, क्लियर क्लियर ना, यस और नो बच्चा पार्टी, प्लीज बी फास्ट एवरीबॉडी, सही है, चले आगे। ये भी देखो ध्यान से अभी, हाँ रफ के लिए ग्रेटर देन 6, वेरी गुड जितन, सही जा रहे, क्लियर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर एनर्जी लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर एनर्जी लॉस, सडन कॉन्ट्रेक्शन लॉस, सडन एक्सपेंशन लॉस, ये सब क्या थे, माइनर लॉसेस थे। मेजर लॉस क्या था, मेजर लॉस था फ्रिक्शन लॉस के कारण, राइट। सो माय डियर माइनर पूछा है तो सडन एनलार्जमेंट एंट्रेंस एंड लॉस ड्यू टू बेंट, जिसमें हम के फैक्टर लेते हैं, ये सब क्या थे, माइनर लॉसेस थे पाइप में। लेकिन आपने पढ़ा था कि HL जो फ्रिक्शन लॉसेस होता है दैट इज अ मेजर लॉस, सो माय डियर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज नथिंग बट व्हाट माय डियर, मेजर लॉस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर लॉसेस, करेक्ट। बोलो भैया यस और नो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय डियर, यस। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, ये जो HL होता है फ्रिक्शनल लॉस, दैट इज व्हाट माय डियर HL, दैट इज गोइंग टू बी नन अदर देन FL स्क्वायर अपॉन, क्या होगा बेटा 4GD या 2GD, तो माय डियर याद रखिएगा हमेशा होता है ये 2GD, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 था कि 4 था, 2 है बेटा, ठीक। हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेल्टन व्हील इज, माय डियर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल जो होता है पेल्टन व्हील का, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल, इनवर्टेड ट्रायंगल, नन ऑफ द अबव, हाँ जी बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, कैसा होता है, हाँ वेदर इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन और व्हाट, सो माय डियर स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन, यस और नो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ इनवर्टेड, उसने बोला है कौन सा, उसने बोला है इनलेट वाला, तो इनलेट वाला स्ट्रेट होता है, राइट, सो दैट इज व्हाट, ओनली स्ट्रीम आती है उस पर, वेरी गुड। हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन माय डियर, चलता हूं मैं आगे, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, माय डियर डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन हुज वेन्स आर रेडियल एट इनलेट इज, उसकी वेन्स क्या है बेटा, रेडियल इनलेट पे, ठीक है, तो आपको बताना हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, सो माय डियर व्हाट शुड बी द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, कैन यू टेल मी, हाँ जी बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट एवरीबॉडी, क्या होगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यहाँ पे, प्लीज लेट मी नो माय डियर, बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, जल्दी बताएंगे, हाँ जी माय डियर प्लीज बी फास्ट, वेरी गुड, 2/2 tan² alpha, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 2 नहीं है, सतीश धनंजय विपिन, हाँ जी माय डियर प्लीज बी फास्ट, इट इज नन अदर देन 2/2 tan² alpha, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, ये ध्यान रखिए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट हेड, वर्क इक्विवेलेंट हेड अपॉन अवेलेबल हेड, वर्क इक्विवेलेंट हेड, टोटल आपके पास अवेलेबल हेड कितना है, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, जब आप डेरिवेशन करेंगे अवेलेबल हेड है, ध्यान रखिएगा अवेलेबल हेड, इन दोनों का जो रेशो लेते हैं आप, इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है, इसके बुक देख लो मार्केट में अवेलेबल होगी। ग्राफिकल डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ आउटपुट द कॉस्ट इज नोन एज, देखो ध्यान से, graphical device used to determine the break even point and profit potential under a varying condition of output and the cost is known as, so my dear us cost ko hum kya bolte hain,
आउटपुट कॉस्ट इज नोन एज, माय डियर, तो मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहा है ना कि कॉस्ट के बारे में। सो माय डियर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें बताता है ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, दैट इज नन अदर देन व्हाट बेटा, ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट, वेरी गुड, हियर वी गो। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। बिन कार्ड विल शो, माय डियर, बिन कार्ड विल शो, यू हैव टू टेल मी द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो माय डियर क्या शो नहीं करता वो बताना है आपको यहाँ पे। सो इट इज नॉट गोइंग टू शो, माय डियर, क्या नहीं शो करता। सो डेफिनेटली माय डियर इट कैन शो द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड, अमाउंट इश्यू, द अमाउंट बैलेंस इन हैंड, तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों के तीनों शो करेगा कौन, बिन कार्ड, बट इट इज नॉट गोइंग टू शो व्हाट माय डियर द क्वांटिटी अलोकेटेड फॉर इश्यू और अबाउट क्वांटिटीज इन ऑर्डर, कितना आपने ऑर्डर किया और कितना हमें देना है, राइट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट, नहीं ऑप्शन नंबर थ्री राइट नहीं है भैया, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर फोर, बिन, ठीक है, हियर आई गो माय, देखो ध्यान से, देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है किसी ना किसी एग्जाम में, व्हाट डज द सिंबल, ये माय डियर क्या इंडिकेट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए क्या इंडिकेट करोगे बेटा, बोलो भैया, ऑपरेशन मतलब सर्कल, ऑपरेशन मतलब सर्कल, और इंस्पेक्शन मतलब रेक्टेंगल, अरे बोलो भैया, इंस्पेक्शन मतलब रेक्टेंगल बेटा, ठीक है, और माय डियर स्टोरेज के लिए क्या दिखाते हैं, ट्रायंगल, स्टोरेज के लिए ट्रायंगल बेटा, ठीक, वेरी गुड, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को बुलाओ तब आता है मजा, तो तुम मेरे को हार्डवर्क करने भी मजा आता है कि हाँ कंटेंट लेके जाना है, बनाना है, ये सब होगा, कोई नहीं आया ना तो फिर मजा नहीं आता। बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज व्हाट मीडिया, जो सबसे बेसिक टूल यूटिलाइज होता है वर्क स्टडी में, आप बताइए इसमें से कौन सा है, वर्क स्टडी में अगर पता होगा, अगेन ये इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन है सर, अजी भाई डियर प्लीज बी फास्ट, कौन सा यूटिलाइज होता है बेटा वर्क स्टडी में, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, प्री डिटरमाइंड टाइम सिस्टम, ये सब चीजें होती है, हाँ जी भाई डियर, सो डेफिनेटली इसमें यूटिलाइज करेंगे क्या, स्टॉपवॉच, स्टॉपवॉच, प्रोसेस चार्ट कहाँ आ गया, प्रोसेस चार्ट का स्टॉपवॉच, वेरी गुड सरवना, शिवानी, वेरी गुड श्रेयान, सतीश, फैंटास्टिक, वेरी गुड, हियर हियर आई गो फॉर नेक्स्ट, फोरकास्टिंग बाय एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, इफ अल्फा इज अ स्मूथनिंग कांस्टेंट देन न्यू फोरकास्ट विल बी व्हाट माय डियर, न्यू फोरकास्ट की वैल्यू क्या होगी, देखो जो बोलते हैं ना कि नहीं हम इस फॉर्मूले को बस याद करके हैप्पी हैं, ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे ना जब तो फिर दिक्कत होगा, सो दैट इज व्हाट माय डियर, कैन यू टेल मी, सो माय डियर इट इज न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय लेटेस्ट सेल्स फिगर प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू ओल्ड फोरकास्ट, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, होम अफेयर्स हिट इज अ परमानेंट, अब आप बोलोगे सर नोटिस में तो टेम्परेरी दिखा रहा है या स्थायी दिखा रहा है, तो माय डियर कमीशन जब भी कोई रिक्रूटमेंट करता है तो इनिशियली प्रोबेशन पीरियड होता है, तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपने सही से काम नहीं करा आपको निकाल देंगे, प्रोबेशन पीरियड के बाद डेफिनेटली यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट एम्प्लॉय, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। हंगेरियन एल्गोरिथम यूज टू सॉल्व, जो हंगेरियन एल्गोरिथम है उसको हम किस में यूटिलाइज करते हैं, वेदर इट इज यूटिलाइज इन ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम या अनट्रस्टेड, बताएं बच्चा पार्टी, तो एक बात तो तय हो गई कि सर ये लीनियर प्रोग्रामिंग में तो यूटिलाइज होता ही हमें पता है, एक तो ये ट्रांसपोर्ट में होगा या तो असाइनमेंट में होगा, लेकिन माय डियर मैं बता दूं ये जो यूटिलाइज होगा ये ट्रांसपोर्ट में नहीं होता बेटा, असाइनमेंट में यूज होता है, किसमें, असाइनमेंट में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लगा दिया लोगों ने, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन माय डियर प्लीज लेट मी नो, हंगेरियन, बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, यस और नो, यस और नो, हियर वी गो, चले आगे, वेरी गुड वेरी गुड, हियर वी गो, द रूल यूज फॉर नंबरिंग इवेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, किसी ने नहीं सोचा होगा ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, लोगों को नंबरिंग देना तो आता है सीपीएम पार्ट में, हम नंबरिंग नहीं देते इवेंट और नोट वगैरह को, तो वो रूल कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देते हैं, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं यार ये कौन सा रूल था, तो माई डियर आपको बता दूं ये तो आपको पता है शेड्यूलिंग में यूज करते हैं हम लोग, शेड्यूलिंग में धुआं धुआं सा याद आ जाए इंडस्ट्रियल में, ये तो अभी आप मैंने बता दिया आपको, ये किसमें यूटिलाइज करते हैं बेटा, असाइनमेंट में, अभी बताया हूं, नहीं बताया, अरे अभी बताया हूं ना, ये असाइनमेंट में यूज करेंगे बेटा, ठीक है, और सिंप्लेक्स वाला ये जानते हो लीनियर प्रोग्रामिंग में,
तो बेटा ये किस में यूटिलाइज करेंगे, ये करेंगे नंबरिंग में, ध्यान रखना इसको, याद आ रहा है धुआं धुआं सर? वेरी गुड फल्क्रम, फल्क्रम वेरी गुड यार, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन रिड्यूसिंग द एक्टिविटी टाइम इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज कॉल्ड माय डियर, मतलब आप जब आप शेड्यूल टाइम कम करने की कोशिश करते हो राइट ना, हम यूज करते हैं सीपीएम वगैरह में, याद हो धुआं धुआं सर, तो माय डियर उसमें क्या होगा जब आप टाइम तो रिड्यूस होता है बट वी हैव टू, एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, दैट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर, कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड फॉर क्रैशिंग, सो दैट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर, अ क्रैशिंग कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट, वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी अ क्रैशिंग कॉस्ट डियर, क्या होगी क्रैशिंग कॉस्ट माय डियर। शैल आई गो फॉर नेक्स्ट वन, हियर आई गो, देखो ध्यान से, क्वेइंग सिस्टम यूजिंग कैंडल्स नोटेशन इज एक्सप्रेस इन द सिंबॉलिक फॉर्म एज MM3, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्वर्स इन द सिस्टम इज, सो माय डियर कितने नंबर ऑफ सर्वर्स हैं सिस्टम में ये आप बताएंगे, सो माय डियर आपको बता दूं अगर ये जो M है ये पहला, अगर ये M है पहला M, अगर कोई नोटेशन ऐसा इंडिकेट हो रहा है ध्यान से देखो ऐसा, फिर उसके बाद मान लो DEF ऐसे इंडिकेट हो रहा है, तो पहले का मतलब क्या होता है बेटा, पहले का मतलब होता है माइडियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट माइडियर, अराइवल पैटर्न, अराइवल पैटर्न का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ए, ये होता है अराइवल पैटर्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी माइडियर क्या होता है, कोई बता सकता है बी क्या होता है बेटा, बी इज व्हाट माइडियर, ये सर्विस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड सी क्या होता है बेटा, व्हाट इज सी, सी इज नन अदर देन नंबर ऑफ सर्वर्स इन द सिस्टम, ये जो C है ये होता है बेटा नंबर ऑफ सर्वर्स इन सिस्टम, उसके बाद D क्या होता है माय डियर, व्हाट इज D, कैन यू टेल मी, यस और नो माय डियर, ये होता है सर्विस रूल, मतलब ये FCFS का मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सर्विस रूल हो गया। उसके बाद E क्या होता है बेटा, E क्या होगा माय डियर, कैन यू टेल मी, E इज अ साइज और कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, इट इज गोइंग टू बी कैपेसिटी और साइज ऑफ सिस्टम, एफ क्या होगा बेटा, F क्या होगा, F इज नथिंग बट साइज और कैपेसिटी ऑफ फॉलिंग और साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ फॉलिंग पॉपुलेशन, दैट इज व्हाट F, सो माय डियर यहां पे कितने हो जाएंगे, यहां पे हो जाएंगे बेटा C, C मतलब 3, 3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड, ठीक है, हियर द क्वीन थ्योरी रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम और क्यू एंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और क्यू इज नोन एज बेटा, इज नोन एज क्या कहते हैं, हाँ जी लिटल्स फॉर्मूला, क्या कहते हैं बेटा, लिटल्स फॉर्मूला, जैसे कि आप में लिखते, आप लिखते नहीं हो एल एस इज इक्वल टू एल इन टू वेटिंग टाइम इन सिस्टम, लिखते हो कि नहीं लिखते हो बोलो, और ये लिखते हो इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, ये क्या होता है बेटा, लिटल्स फॉर्मूला, इट इज लिटल्स फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, इट इज द लिटल्स फॉर्मूला, ठीक है, हियर वी गो, ठीक है। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड, माय डियर देखो इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन अंडर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, उनको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स, क्या कहते हैं बेटा, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, नहीं कहते, बोलो भैया जल्दी बोलो, माय डियर कंस्ट्रेंट्स ही तो कहेंगे, दे आर नन अदर देन व्हाट, कंस्ट्रेंट्स माय कंस्ट्रेंट्स, हियर आई गो फॉर नेक्स्ट वन, चलूं आगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो रहेंगे उनको तुरंत उड़ा देंगे, लेकिन थोड़े से जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं, थोड़े से क्यूरियस क्वेश्चन उनको अच्छे से, द वेरिएबल दैट इज इंक्लूडेड इन द लेस देन और इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट फॉर पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी इज द कॉल्ड बेटा, तो इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस या स्लैक, माय डियर प्लीज बी फास्ट, पति बताएंगे जल्दी से, बोलो बच्चा पढ़ो, सो माय डियर ये क्या होता है, क्या आंसर क्या होगा इसका पहले बताएंगे, सो माय डियर देखो ये जो होता है ये इंडिकेट करता है स्लैक को, ये जो इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है सरप्लस को, इसको इंडिकेट करता है बेटा सरप्लस को, एंड अगर ये है इक्वल टू है तो ये इंडिकेट करता है माय डियर आर्टिफिशियल वेरिएबल, सो यहां पे है लेस देन इक्वल, तो क्या होगा बेटा स्लैक वेरिएबल,
क्या होगा, स्लैक में, ठीक है। इसका पीडीएफ नमन सिंह जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और एक ही जगह मिलेगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप, यहीं पे अवेलेबल होगी, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए बोल रहा हूँ इसको ज्वाइन कर लेना, एक जी ड्राइव प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें पूरी पीडीएफ आज तक जितने सेशन हुए पूरे काम आ जाएंगे, जेई में और सॉरी एई लेवल के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हियर वी गो, देयर आर एम सोर्सेस एंड डेस्टिनेशंस इन अ ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, सो माय डियर नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल जो होंगे इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सो दैट विल बी व्हाट माय डियर, कैन यू टेल मी कितने हो सकते हैं वो। हाँ जी बच्चा पार्टी, एम प्लस एन माइनस वन, अरे बोलो बच्चा पार्टी, यही होंगे ना, एम प्लस एन माइनस वन, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है माई डियर, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे, इंजुनाइट फ्लोज इन 15 सेंटीमीटर डाया हॉरिजॉन्टल क्यूब विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड, experiencing a pressure drop of 12 kilopascal, the pumping power required to overcome this power pressure drop is, the pumping power required to overcome this pressure drop is, my dear please be fast, batayenge jaldi se, jao guys ka answer, bacha party please be fast, delta p is equal to kya hoga my dear, power requirement kya hogi, bolo bhai, bolo bacha party, delta p is none other than रो जी एच इंटू एफ, ठीक है। और एक चीज क्या लिखते हैं माइडियर, बोलो भाई, तो पावर रिक्वायरमेंट विल बी व्हाट माइडियर, डेल्टा पी इंटू ए इंटू बी, पावर रिक्वायरमेंट विल बी व्हाट माइडियर, डेल्टा पी इंटू ए इंटू रो कहां से ला लिया, ए ए ए ए इंटू बी, ठीक है। तो माइडियर आप बताओ जल्दी से फॉर्मूला, ए इंटू बी क्या है, अरे भैया ए इंटू A into V is none other than what beta, discharge है ना ये, तो देखो my dear अब क्या हो जाएगा, power requirement P is equal to none other than beta, बोलो, pressure will be what my dear, 12 into 10 raised to power minus 3, ठीक है, area, area will be what beta, pi by 4, diameter है 15 centimeter, we can put 0.15, इसको कर लेंगे 0.15 का square, एंड ये कितनी है, v वेलोसिटी 1.3, माय डियर आ जाएगा आंसर डायरेक्टली, सो योर आंसर विल बी व्हाट बेटा, 276 वाट। बोलो डाउट है किसी को, किसी को डाउट है क्या, m m इंटू n होते हैं ना, किसमें किसमें बोल रहे हो, किसमें बोल रहे हो आप, इसमें उसने क्या बोला था, इफ 3m सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन में, टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा उसमें पूछा है उसने, ठीक है। आई होप ये बात को समझ पा रहे होंगे, यस और नो माय डियर, मतलब कहने का मतलब है इनडायरेक्टली, व्हाट माय डियर, देयर विल बी एम प्लस एन माइनस वन बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फिजिबल सॉल्यूशन में बात कर रहा है, ठीक है ना, एम इंटू एन नहीं होगा बेटा, वो सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, एम इंटू एन जो आप बता रहे हो दैट इज व्हाट, number of variables only that are not basic variables in the basic feasible solution, here I go, double pipe shell and tube heat exchanger is constructed for stainless steel inner tube of inner dia 1.5 cm, outer dia 1.9 cm, the thermal resistance of the heat exchanger per unit length as 0.0532 degree centigrade what, determine the overall heat transfer coefficient for inner and outer surface area of the tube respectively, of the tube respectively, kaise calculate karenge bachcha part, can you tell me how we can calculate this, haan ji my dear please be fast, we have to find out what my dear, q find out karni hai right, so q is none other than what my dear, kaise calculate karenge, pehle inner surface nikalenge baad mein outer surface nikal lenge, so my dear inner surface will be what, q is equal to none other than, आप जानते हो ये क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल बी नन अदर देन, रेजिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन क्यू, करेक्ट, यस और नो, डेल्टा टी अपॉन क्यू होगा, ये बात तो जानते ही हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, यू इंटू यू ए इंटू डेल्टा टी, तो सरफेस एरिया आ जाएगा माय डियर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर आई इंटू एल इंटू डेल्टा टी, करेक्ट,
यस और नो आइडिया. सो देखो ध्यान से, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी इज गोइंग टू बी नन अदर देन व्हाट बेटा, यू यू टू बाय आर आई एल. ठीक है, तो ये क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वन बाय आर दैट इज इक्वल टू यू टू बाय आर आई एल हो जाएगा. करेक्ट, यस और नो. यहां से आपको मिल जाएगा यू आई. ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा माय डियर, यू आई. तो यू आई जो है मतलब ये यू आई मान लो, ये यू मान लो. ठीक है, एक आउटर सरफेस का भी होगा क्योंकि. ठीक है, तो बच्चा पार्टी इट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर, वन अपॉन आर. आर कितना दिया है, 0.0532 वन अपॉन टू पाई. अब आर अगेन, आर इज व्हाट माय डियर, 7.5 × 10⁻³. ठीक है, डायमीटर 1.5 है ना, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻³. यहां से मेरा क्या निकलेगा, यहां से मेरा निकल के आ जाएगा यू आई. यहां से क्या निकलेगा बेटा, यू आई निकलेगा यहां से, यस और नो. यहां से निकलेगा यू आई, एंड यू आई विल बी व्हाट माय डियर, कितना आ रहा है, 399 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब यू आई निकाल लिया. सेम तरीके से हम किसको निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे यू ओ. ठीक, यस और नो राइट. तो बच्चा पार्टी क्यू इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला. तो माय डियर अब क्या आ जाएगा, यू नॉट आ जाएगा, यू नॉट. तो यू नॉट कितना आ जाएगा बेटा, सो यू नॉट विल बी नन अदर देन रेजिस्टेंस दैट इज व्हाट, 0.0532 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यहां का कर देंगे 2 पाई. आर ओ कितना है बेटा, ये दिया हुआ है 9.5 × 10⁻³. तो U नॉट निकल कर आ जाएगा, दिस U नॉट विल बी नन अदर देन 315. ये वाट में होगा, स्मॉल नहीं आएगा ये तो. करेक्ट, यस और नो. गुरुदत्त जी मोस्ट वेलकम, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके. ऑप्शन कौन सा लगेगा बेटा, ऑप्शन बताओ. तो ऑप्शन नंबर देखो, वापस चलते हैं ऑप्शंस पे. तो ऑप्शन नंबर 399 and 215 ये लगेगा. सिंपल कर लिया. अब कुछ लोगों का डाउट होगा, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको. चलूं आगे, ये इन पैरेलल फॉर हीट एक्सचेंजर द NTU इज कैलकुलेटेड टू बी 2.5 द लोएस्ट पॉसिबल इफेक्टिवनेस फॉर दिस हीट एक्सचेंजर इज माय डियर. NTU का वैल्यू दिया है 2.5. अगर NTU की वैल्यू दिया है, इफेक्टिवनेस निकालना बड़ा आसान है राइट. क्या कर देंगे माय डियर, NTU अपॉन 1 + NTU कर देंगे. बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो, प्लीज बी फास्ट माय डियर. लोएस्ट, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट माय डियर. बोलो बच्चा पार्टी, यस और नो, यस और नो. बच्चा पार्टी प्लीज बी फास्ट, कितना आ जाएगा माय डियर. बोलो भाई, बोलो 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 बच्चा पार्टी. मिनिमम, अरे व्हेन सी इज जीरो, देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. दैट इज नन अदर देन व्हाट माय डियर, 1 − e^(1 + c). ठीक, ये था बेटा, यस और नो, ये भी माइनस में ही था. और e^(NTU) अपॉन क्या था बेटा, अपॉन था 1 + c. ठीक है, 1 + c. और आपको पता है c इक्वल टू जीरो होता है तो वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम. c इक्वल टू वन होता है तो वैल्यू क्या आती है बेटा, मिनिमम. तो c की वैल्यू क्या लेंगे, 1 राइट, यस और नो. तो देखो c की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इफेक्टिवनेस जो मिनिमम आ जाएगी, सो दैट विल बी नन अदर देन व्हाट बेटा, 1 − e^(-1 + 1). ये हो गई 2.5. नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, ये मेरा ई मिनिमम निकल कर आ जाएगा. ये बात जानते हैं ना. सो माय डियर आंसर कितना आएगा, 49.66. और हमसे क्या पूछा है माय डियर, हमसे यही पूछा है कि मिनिमम वाला बताओ. मिनिमम वाला नियर बाय 50% आया. आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते पता है, आधे से ज्यादा बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, और यहाँ से आंसर निकालते हैं और एक तरफा निकल जाते बाहर सिलेक्शन से. ठीक है, एक तरफा निकलते. अगर ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन लगा देते NTU अपॉन 1 + NTU जो मेरे सर के जस्ट बगल में लगा हुआ, इधर इधर ये जो दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है राइट. NTU अपॉन, ये ऊपर देखो NTU और नीचे देखो 1 + NTU, ये जो है ये गलत हो जाएगा. ये राइट हो बच्चा. A shell passes the four tubes, passes heat exchanger, is used to heat glycerin from 20 °C to 50 °C. Hot water, which enters thin wall 2 cm diameter tubes as 80 degree centigrade and leaves at 14.
आया कितने पे, 80 पे, गया कितने पे, 40 पे, हॉट फ्लू. द टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब्स इज द हीट एक्सचेंजर इज व्हाट माय डियर 60 मीटर. द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज आल्सो गिवन 25 वाट पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड. On the glycerin and 160 watt per meter square degree centigrade on the water side, determine the rate of the heat transfer in the heat exchanger before any fouling occurs the outer surface. यहाँ पे हमें value दी है F की, MRL LMTD की value direct दी है 224.7 होगी, वो 247 नहीं होगी, ठीक है, that is going to be 247 नहीं है वो, ठीक. सो माय डियर देखो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, हीट, राइट. तो बच्चा पार्टी देखो, पहले निकालेंगे एरिया. एरिया विल बी व्हाट माय डियर, क्योंकि हीट इज इक्वल टू क्या है माय डियर, हीट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, हीट इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एफ इंटू ए इंटू ये डेल्टा टी लॉग एल एम टी डी वाला, ठीक है, डेल्टा टी राइट इंटू व्हाट बेटा, यू राइट. तो एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई डी एल. अब पाई डी एल मतलब कितना होगा बेटा, पाई डायमीटर कितना दिया होगा, देखो हीट एक्सचेंजर यहीं पे दिया था कहीं ना, ठीक है, हॉट वायर 2 सेंटीमीटर राइट. तो दैट इज गोइंग टू बी 0.02 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ भी दी हुई है 60 मीटर राइट. सो यू कैन पुट व्हाट माय डियर एज इट इज, दैट इज 60. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.76. अगर ये 3.76 आ गया हमारे पास राइट, तो माय डियर अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस 1 अपॉन 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एच1 प्लस 1 बाय एच2, ये हमें दिया हुआ है राइट. सो इनकी वैल्यू पुट करने हैं. सो माय डियर एक कितना दिया हुआ है, 1 बाय 25 प्लस 1 बाय 1 अपॉन 660, देख रहे हो 1 अपॉन 25 राइट, एंड एक 160 दिया हुआ करेक्ट, दोनों को ले लिया. यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी यू, U कितना आएगा बेटा 21.6, रेसिप्रोकल ले लेना 21.6 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. बस अब हो गया, Q की वैल्यू निकाल दो. सो Q देखो ध्यान से, Q की वैल्यू कैसे निकालूंगा माय डियर यहां पे मैं, सो Q विल बी नन अदर देन F 0.91, एरिया मेरे पास 3.76, मेरे पास डेल्टा टी 2.247, ये 24.7 मल्टीप्लाइड बाय और क्या है बेटा एरिया हो गया, ये भी और एक चीज बची 21.6 u, यहां से मेरा q आ जाएगा एंड दैट q विल बी अराउंड व्हाट माय डियर 1830 वाट. यहां से जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 1830 वाट आएगा, ठीक है, लेकिन इसको किलोवाट में करूंगा तो इट विल बी नन अदर देन 1.83 किलोवाट, ठीक, यस और नो बच्चा पार्ट, समझ आया बात, वेरी गुड वेरी गुड. शैल आई गो फॉर नेक्स्ट वन, चलें आगे. Consider the surface at 0 degree centigrade that may assume to be a black body in an environment at 25 degree centigrade. If 300 watt per meter square, if radiation is incident on the surface, the radiosity of this black surface is. So, radiosity kya hogi? My dear, radiosity ki value find out karne bola hai. You know the radiosity? Aya na, formula kya hogi, my dear? Can you tell me? J value find out. J ki value kya thi, my dear? Can you tell me? J ki value kya thi, my dear? Bolo bachcha paati. Please be fast. J क्या होगी, J की वैल्यू, J इज इक्वल टू E के बराबर होगा, यस और नो, यस और नो, E प्लस रो जी होगी, J इज इक्वल टू व्हाट मैटर, E प्लस रो इंटू जी, ठीक है, यस और नो, रो इंटू जी, सॉरी ये कैपिटल G होगा, ठीक है. तो माय डियर ब्लैक बॉडी है, रिफ्लेक्टिविटी तो जीरो, तो ये तो गुजर गया, तो J किसके बराबर हो गया, E के बराबर, और E किसके बराबर होता है बेटा, सिग्मा इमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी रेस टू पावर 4, एरिया भी होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं, तो माय डियर ये ले लेंगे 1.1 इंटू 5.67 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 ऑन टेम्परेचर का रेस टू पावर 4, दैट इज व्हाट यहाँ पे कितना दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में हो जाएगा 273 रेस टू पावर, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट एंड दैट विल बी नन अदर देन 314.94 मतलब 315, ठीक है, क्या क्या बोला आपने, क्या बोला है आपने यहां पे, क्या बोल देंगे आप, देखो द शेल पासेस
शेल पासेस एंड फोर ट्यूब पासेस हीट एक्सचेंजर, मतलब एक ही हीट एक्सचेंजर है तो उसमें चार ट्यूब है, ठीक है। अरे नंबर ऑफ ट्यूब हो सकती है ना, आप जो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो उसमें तो नंबर ऑफ ट्यूब हो सकती है, तो वो एक असेंबली बना रहे हैं हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो यहां पे नहीं करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू अ परफेक्ट गैस विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी सही रहेगा वो स्टेटमेंट कौन सा है माइंड। अच्छा पार्टी प्लीज बी फास्ट। तो आपको पता है जो आपने टीडीएस इक्वेशन एज्यूम डिराइव किए थे तो वो आपने रिवर्सिबल मान के किए थे, बट दे आर ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल। सो माइडियर ऑप्शन क्या हो जाएगा डायरेक्टली, टीडीएस इज इक्वल टू टी एच माइनस वी डी पी, और एक माइडियर आप जो वो करें दैट इज वॉट टीडीएस प्लस वॉट माइडियर टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये भी करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। दोनों अप्लीकेट दोनों वो रहेंगे, क्या रहेंगे, अप्लीकेबल रहेंगे इन रिवर्सिबल एज वेल एज इन इरिवर्सिबल, इवन उनको हमने डिराइव किया है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर, इसमें से जो फॉर्मूले दिए हुए हैं इसमें से अनअवेलेबिलिटी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा बेटा, दैट इज वॉट टी नॉट इन टू डेल्टा एस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट वॉट माय डियर, अनअवेलेबिलिटी, राइट, यस और नो, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट माय डियर, कम ऑन जल्दी करेंगे। बोलो भैया, यस समझ आ गए, ये तो समझ गए होंगे यार, डायरेक्ट है ये तो। हियर आई गो फॉर नेक्स्ट। ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 7 to 7 degrees centigrade एंड 2 to 2 efficiency पूछा है, efficiency बड़ा आसान से निकलता है, लो टेम्परेचर कितना है 2 to 7 plus 273 मतलब 500, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डालो, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डालो आंसर गलत आएगा, ये हो जाएगा 1000, कितना आएगा आंसर 0.5 मतलब 50%, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, राइट विपिन वेरी गुड। शादी कार्नोट मोस्ट वेलकम डियर, Shall I go for next one? चलूं आगे या shall I stop over here? बोलो बच्चा पार्टी जल्दी बोलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, एक क्वेश्चन और करा ले, चलो ये भी क्वेश्चन आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी करना आपके लिए। A refrigerating machine working on a reverse Carnot cycle takes 2 kilowatt of heat from a system while working between temperature of 300 Kelvin and 200 Kelvin. ठीक है, COP and power consumed by the cycle will be. So आपको COP बताना है और power consumed. So my dear देखो ध्यान से, COP क्या हो जाएगा बेटा? ये refrigerating machine है तो low temperature कितना है 200 divided by higher temperature minus low temperature. ये यहाँ से COP 2 आ गया. ये is equal to क्या होता है बेटा? ये क्या होता है बेटा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दैट इज डिवाइडेड बाय W, ये आपको दिया हुआ है 2, W कितना आ जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 1, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक। हियर वी गो, देखो एक और क्वेश्चन, विथ रीहीट इन रैंकाइन साइकिल, अगर रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग कराते हो तो क्या होगा बेटा, रीहीटिंग कराते हो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एक तो पहली बात है रीहीटिंग कराओगे तो डेफिनेटली रीहीटिंग के लिए मल्टी स्टेज टरबाइन, अगर मल्टी स्टेज टरबाइन तो डब्ल्यू टी इंक्रीज होगा, डब्ल्यू टी इंक्रीज होगा तो डब्ल्यू नेट बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो, ठीक। रीहीटिंग के कारण देखो, रीहीटिंग करोगे तो डायग्राम कैसी बनती, बना के दिखाऊं, बना के दिखाता हूं, चलो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, मैं आपको रफली आइडिया दूंगा, ठीक है ना। हाँ देखो आपका क्या होता है, दो मिनट मैं आपको नॉर्मल साइकिल दिखाता हूं, ठीक है ना, ये नॉर्मल साइकिल बना दी 1 2 3 4, ठीक। अब देखो रीहीटिंग कराते तो यहां पे आते, यहां पे रुकते कहीं, फिर बाद में रीहीटिंग कराते, ऐसे होते, मतलब देखो आप पहले यहां पे आ रहे थे, अब क्या हुआ और इधर मूव करके, मतलब जो ड्रेनेज फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा इंप्रूव, तो ये भी सही है, नेटवर्क आउटपुट ऑफ साइकिल इंक्रीजेस, ये भी सही है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन डिक्रीज, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट माई डियर, सो ऑल ऑफ दीज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट माई डियर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन,
all of these. Very good, Vipin. Vipin, very good. Here I go for next one. Which of the following secondary operation is used to improve the self-liberating capacity of the sintered part in a powder metallurgy? मतलब अगर आपको strength increase करानी है powder metallurgy में तो क्या कराएंगे बेटा? Impregnation, impregnation कराएंगे कि नहीं कराएंगे? क्या होता है impregnation? हाँ बच्चा पार्टी, please be fast everybody. Impregnation meaning क्या होता है my dear? Yes, yes or no? जो pores होते हैं, जो sintered part में क्या होते हैं pores? तो आप क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं, डुबोते हैं तो ऑयल में या तो जो भी आपका फ्लूड है उसमें आप डुबोते हैं तो क्या होता है ये फ्लूड जाके उस जहां पे वो पोर्स है उनमें जाके सेटल डाउन होता है, उससे उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है. एंड दिस प्रोसेस एंड दिस ऑपरेशन इज नन अदर देन व्हाट बेटा? इम्प्रिग्नेशन. क्या होता है ये इम्प्रिग्नेशन. वेरी गुड शादी कैमरा का फॉर्मूला फिस इज डबल जीरो अपॉन डब्ल्यू नेट. यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? केजी पर किलोवाट आवर. ठीक है, याद रखिएगा उसका क्या होगा यूनिट, केजी पर किलोवाट आवर में. ठीक है, तो माय डियर हम यहाँ पे अब रुकेंगे. ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि कल हम मिलेंगे डेली 3 PM पे मिल रहे होंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू मीट डेली 3 PM. एंड माय डियर वन मोर थिंग, अगर आप कोई कोर्सेस परचेस करना चाहते हो तो यू कैन यूटिलाइज माय कोड धीरज डी सो दैट यू हैव फ्लैट 20% डिस्काउंट. आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इजीली माय डियर. ठीक है, एंड बच्चा पार्टी एक मैं क्या बता दूं, अगर आप कोर्स लोगे वो अगर टेक्स्ट बुक सिलेक्ट का कोर्स लेते हो तो उसमें आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग सपोर्ट का एक बड़ा अच्छा फीचर जिसमें आप डाउट कभी भी पोस्ट कर सकते हो 24/7. सबसे बड़ा जो इस फीचर को खास बनाती है दैट इज व्हाट कि उसका रिप्लाई आपको विद इन एन आवर मिलेगा बाय द एक्सपर्ट टीम ऑफ द टेक्स्ट बुक. राइट, जो कि डाउट से डील करती है वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे और जो कि आपकी लर्निंग को काफी मीनिंगफुल हो जाती है. डाउट अगर क्लियर होते रहते हैं तो लर्निंग जो होती है हमारी वो काफी मीनिंगफुल होती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फंडा क्लियर होते हैं. राइट, सो इट इज बेस्ट ऑप्शन. तो ऐसी सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सिलेक्ट. एंड माय डियर अगर इस सेशन की PDF फाइल चाहिए है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेशन की PDF फाइल आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक टेलीग्राम, सॉरी धीरज सर _ टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल. राइट, नाउ माय डियर अब कोई क्वेरीज है तो आप यू कैन आस्क. अब कोई क्वेरीज है तो प्लीज लेट मी नो. ये तो अभी जो मैंने कराया है ये एक ही साल का कराया और इसमें कैसा था मैं आपको बता दूं, ये सब मिक्स थे. जितने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक के मतलब पेपर्स हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको मिक्स करके बनाया हुआ है सेट. ठीक है, यस और नो? सबको मिक्स किया था, इस हर स्टेट के क्वेश्चन मिक्स किए थे क्योंकि हर स्टेट के मिक्स करने पे एडवांटेज आपका है क्योंकि बाई चांस क्या होता है कभी कभी कमीशन दूसरे कमीशन का भी कॉपी कर सकता है. राइट ना, सो हम सबका सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी एक हमारा एक ब्रॉड माइंड रहेगा. राइट, क्वेश्चन की एक बोलते हैं ना जो विड्थ है वाइड काफी ज्यादा रेंज हो जाएगी, वाइडर रेंज में कवर करेंगे क्वेश्चंस को. ओके, सो बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा केयर, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन विद द testbook.com. जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड विद अस एट 3 PM टुमारो, कल दोपहर को 3 बजे फिर से. थैंक यू सो मच मेट. जाने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को क्या करेंगे बेटा? सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नई क्लासेस या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा डायरेक्टली आपके मेल आईडी पे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.